तो हेलो दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पर SDR वाला इफेक्ट देखा ही होगा। जो लोग इफेक्ट लगा के अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालते हैं, अच्छा खासा व्यू जाता है, लाइक भी जाता है। दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम भी SDR वाला इफेक्ट लगाएं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों तो मैं आपको एक एक प्रोसेसर बताऊंगा। तो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मैं इसको ओपन करता हूं दोस्तों, तो इस प्रकार का कुछ लौकेगा। इस प्लस वाले आइकन के दाब के आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है दोस्तों। आपको उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस लौकेगा। प्लस वाले आइकन पे दाब के आपको मीडिया का ऑप्शन लौकेगा। यहाँ पर मीडिया से क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको अपना वीडियो खोज लेना है दोस्तों। तो मैं अपना वीडियो खोज लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो, मैं अपना वीडियो, हमारा वीडियो कुछ यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप क्लिक कर देना। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन के दाब के आपको एक शेप्स ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर शेप्स है, इस शेप्स ले लेना है। इसको फिंगर से पकड़ के आपको कुछ इस तरह जूम इन करना है दोस्तों, आपके वीडियो को पूरा लेंथ हो जाएगा। उसके बाद कलर पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इसका कलर हमको येलो रख लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर तीर का आइकन मिलेगा, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग ऑपसिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको चौथे नंबर पे मिलेगा ये डिफरेंस का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करके आपको तीसरे वाले पे क्लिक कर देना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से लौकेगा दोस्तों। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इफेक्ट लौकेगा दोस्तों। आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एड इफेक्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस लौकेगा। आपको यहाँ पर ऑथर का ऑप्शन सबसे नीचे देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको तीसरे नंबर पे कॉपी बैकग्राउंड मिलेगा। कॉपी बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर कॉपी पे ऐसे कर देना। उसके बाद हम अभी दो इफेक्ट और लगाएंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करके आपको एड इफेक्ट पे आपको ब्लर पे जाना है। इस ब्लर वाले पे ऑप्शन को लॉक रहा है। उसके बाद आपको गैसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके फिर से आपको एक इफेक्ट और लगाना है दोस्तों। एड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको कलर एंड लाइट का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो इस पर क्लिक करके आपको एक्सपोजर गामा यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम अभी तो आधा प्रोसेसर बाकी है दोस्तों, तो हम इसको सेटिंग कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले गैसियन ब्लर पे सेलेक्ट करके इसको हम लगभग 200-250 के लगभग रखेंगे दोस्तों। तो हम रख ले हैं 200-250 रख रहे हैं। इसके बाद हम एक्सपोजर गामा पे आएंगे दोस्तों। एक्सपोजर को हम रखेंगे कुछ इस प्रकार से, -25 रखेंगे दोस्तों। आ गामा को हम कम से कम 800 रख लेंगे दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक टाइप कर देना है दोस्तों। फिर से आपको प्लस वाले आइकन के दाब के आपको एक शेप्स ले लेना है दोस्तों। उसके बाद इस शेप्स को इस प्रकार से जूम इन कर लेना है। जूम इन कर लेने के बाद इसका कलर को आपको वाइट रख देना है दोस्तों। कलर को वाइट रख देने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको ब्लेंडिंग ऑपोसिटी के पे क्लिक करके यहाँ पर एक कंट्रास्टन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इस पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला ओवरले पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के आपको कुछ हो गया। उसके बाद हम स्क्रीन पर टाइप करके तो हम आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। इस पर इफेक्ट लगा है दोस्तों, इस पर इफेक्ट नहीं लगा है। तो दोस्तों आपको देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
इस पर इफेक्ट नहीं लगा है, इस पर इफेक्ट लगा है दोस्तों। तो देख लीजिए, आपको इफेक्ट पूरा करना है तो इन तीनों पे टाइप करके, आपको इन तीनों पे टाइप करके आपको किस इस प्रकार से आपको लास्ट में आ जा